पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 दिनांक 24 जनवरी से 4 फरवरी तक। स्थान रावण का चबूतरा जोधपुर। प्रवेश निःशुल्क। आप सभी शहरवासी सादर आमंत्रित हैं। नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर लोकसभा के जोधपुर शहर में युवा कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद युवा कांग्रेस देशभर में रोजगार दो न्याय दो कार्यक्रम आयोजित कर बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के जोधपुर शहर में युवा कांग्रेस राजस्थान प्रभारी मोहम्मद शाहिद के आतिथ्य व जोधपुर लोकसभा चुनाव प्रभारी रामनिवास बुधंग के निर्देशन में जोधपुर शहर के सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ विशाल मशाल जुलूस निकाला। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अन्याय के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस प्रभारी मोहम्मद शाहिद, उत्तर महापौर कुंती देवड़ा, उत्तर जिलाध्यक्ष सलीम खान, दक्षिण जिलाध्यक्ष नरेश जोशी, सूरसागर प्रत्याशी शहबाज खान, संभाग प्रभारी सतवीर चौधरी, देहात जिलाध्यक्ष पुखराज दिवराया सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी मशाल जुलूस में साथ चले। मशाल जुलूस घंटाघर चौक से शुरू होकर नई सड़क होते हुए नई सड़क चौराहे स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी प्रतिमा तक पहुंचकर सम्पन्न हुआ। इस दौरान युवा कांग्रेस जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष योगेश कछवाहा ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद युवा कांग्रेस देशभर में रोजगार दो न्याय दो के तहत प्रत्येक अंतिम पंक्ति के युवा के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान मनीष बिश्नोई, हकीम खान, अकमुद्दीन खान, अक्षय दिवराया, इंद्रजीत बिश्नोई, ठाकुर बिश्नोई, प्रशांत कछवाहा, अशोक भाटी, अनुराग बर्वर, पवन टाक, अशोक मेहरा, हरेंद्र डुडी, एजाज खान, अश्विनी सियोल, आमिर सोहेल, जितेंद्र कडेला, अंकित गहलोत, रवि गहलोत, बाबूलाल प्रजापत, शिव प्रजापत, बस्तीराम, प्रवीण, श्रवण, सुमेर, हंसराज, दानिश, अतिक, देवेंद्र, अहमद अली सहित कई युवा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए जोधपुर से चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में आवश्यकता पड़ी देश में, जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो रोजगार दो न्याय दो मुहिम, जिसमें बेरोजगार युवा जो परेशान हो रहा है देश का, वो एक मुहिम चलाई जा रही है। उसके तहत आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग युवा कांग्रेस के सभी साथी जोधपुर में एक राज्य की सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि आप जो युवाओं के बेरोजगार करने का काम कर रहे हो, जो आपने गहलोत सरकार की योजनाओं को चालू रखने का भरोसा दिया और आप सारी योजनाओं को बंद कर रहे हो जिसमें OPS वगैरह है, तो अगर आप नहीं माने तो हम सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। युवा कांग्रेस हमेशा बेरोजगार गरीब तबके के साथ में है, अंतिम छोड़ने के साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज भाजपा सरकार ने एक साल, जब भाजपा सरकार में आने से पहले जो जनता से युवाओं से जो रोजगार के वादे किए थे, साल में 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किए थे, आज भाजपा सरकार को 10 साल हो गए, उस हिसाब से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़ो, जो हमारे राजस्थान में श्रीमान अशोक जी गहलोत में जो युवा राजीव गांधी युवा मित्र खोले थे, वो भी बंद हो चुके हैं, वो भी युवाओं से रोजगार छीन चुके हैं। तो हम सभी युवा आज उस सभी का भारत जोड़ो न्याय विरोध प्रदर्शन करने आज आए थे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी झंडो। जोधपुर की सड़कों पे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मशाल जला के ये संदेश देना चाह रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को, राजस्थान की भाजपा सरकार को। जिस तरीके से उन्होंने युवाओं के साथ वादे किए थे रोजगार को लेकर, 2 करोड़ रोजगार देने,
साथ में राजस्थान में 2.5 लाख नौकरियों की घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी जो है शासन में आई। लेकिन आज पूरा राजस्थान देख रहा है कि 15 दिनों से 5000 से ज़्यादा हमारे जो युवा मित्र हैं जिन्होंने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया, उनको जो है बेघर करने का काम किया और उनके बीच में 15 दिनों से सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं पहुंचा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारा एक राष्ट्रव्यापी देशव्यापी अभियान है रोजगार दो न्याय दो, इसके तहत राजस्थान की सरकार से मांग कर रहे हैं जो आपका मतलब की जो फैसला रहा 5000 लोगों को बेरोजगार करने का वो वापस लें और राजस्थान में जो 2.5 लाख नौकरी की घोषणा आपने करी थी वो वादा निभाए, अन्यथा राजस्थान का नौजवान और यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पे आके आपसे जवाब मांगेगा। आज हम मशाल के माध्यम से अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करवा रहे थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गांधीवादी तरीके से मशाल जला के जोधपुर की सड़कों से ये संदेश देना चाह रहे हैं राज्य की सरकार को कि युवाओं के हक को और उसके अधिकार को अगर छीनने की कोशिश वो करेगी तो राजस्थान का नौजवान नीचे नहीं हटेगा और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन राजस्थान की सड़कों में आपको देखने को मिलेगा। ये रोजगार दो न्याय दो अभियान के तहत आज जोधपुर में मशाल रैली का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है जिस प्रकार पूरे देश में युवाओं के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने बेरोजगारी की चरम सीमा पार करके अन्याय किया है, जिसको लेकर देश में राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसी के समर्थन में और युवाओं के लिए अन्याय की मांग, अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करने हम राजस्थान के कोने कोने में मशाल रैली और रोजगार दो न्याय दो अभियान के माध्यम से निकाल रहे हैं। हमारी मांग क्लियर है कि 2014 से जब से आपकी सरकार बनी है तब से आप निरंतर युवाओं के साथ धोखा दे रहे हैं रोजगार के नाम पर। हाल ही में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा की सरकार ने सबसे पहले कोई कार्य किया तो राजस्थान के 5000 युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। उनकी सरकार बनी, उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया कि राजस्थान के 5000 युवाओं को यहाँ से रोजगार से मुक्त किया जाता है, नौकरी से निकाला जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ देश में जब रोजगार की आवश्यकता है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो रोजगार बढ़ाने की जगह रोजगार कम करना, रोजगार खत्म करना, ये किस प्रकार का न्याय है? ये जो निरंतर अन्याय पूरे देश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, इसको लेकर युवा कांग्रेस राजस्थान के कोने कोने में मशाल रैली के माध्यम से रोजगार दो न्याय दो वो यात्रा कर रही है। आपका परिचय? मोहम्मद शाहिद, प्रभारी राजस्थान युवा कांग्रेस।